बड़ा ही सुंदर अवसर है। भगवान गोदावरी गंगा के तट पर पावन वास करते हैं और अब बैठे हैं तो कुछ न कुछ हरि चर्चा होनी चाहिए। भगवान एक दिन बड़े भाव से बैठे रहे सुखासीना। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान से कुछ प्रश्न किया। इस प्रसंग का नाम है भक्ति योग प्रसंग। बड़े सुंदर प्रश्न लक्ष्मण जी महाराज के, आइए स्मरण करते हैं। मुहि समुझाई कहु सोई देवा, सब तज करूं चरण रज सेवा, सब तज करूं चरण रज सेवा, कहो ज्ञान विराग यरु माया, कहो ज्ञान वैराग्य और माया। ज्ञान की परिभाषा क्या है, वैराग्य की परिभाषा क्या है, माया की परिभाषा क्या है, अपनी भक्ति प्रभु हमको बताइए, आपकी भक्ति कैसे सिद्ध हो। श्री लक्ष्मण जी महाराज जो सरकार के अंतरंग परिकर हैं उनका प्रश्न है। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु समझा, जाते हो चरण रति ज्ञान वैराग्य और माया। एक एक दो दो पंक्ति भगवान ने लक्ष्मण जी के प्रति गाई है और एक एक पुस्तिका है, एक एक ग्रंथ है। भगवान ने यहां ज्ञान कैसे होगा ये बताया है, वैराग्य कैसे होगा ये बताया है, माया क्या है और बचेंगे कैसे इससे ये बताया है, और भक्ति सरलतम कैसे संभव हो पाएगी ये बताया। अरण्यकांड दोहा क्रमांक 15। दर्शन करिए, प्रभु कहते हैं भैया हम अति सूक्ष्मतम आपको समझा रहे हैं। मति मन और चित्त लगाकर ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। मैं और मेरा, तू और तेरा, ये माया है। मैं सबसे बड़ी बीमारी है जीव की। मैं क्या, अपनी उपलब्धियों में ही रमे रहना, ये मैं है। मैं यार मोर मेरा है, ये मेरा है। तुम और तेरा, तोर तय माया, वो तेरा,
वो तुम हो इसलिए वो तेरा है, मैं हूं इसलिए ये मेरा है, इतनी माया। अरे महाराज तो हाई है ना, और किसका है? नहीं। जब जीव ज्ञान अथवा भक्ति में अवस्थित हो जाता है तो मैं मेरा और तय तेरा समाप्त हो जाता है। देखिए प्रभु हमारे उपदेश क्या कर रहे हैं, न मैं है न मेरा है और न तय है न तेरा है, क्योंकि शरीर ही हमारा नहीं है। कोई कह सकता है कि आंख हमारी है? आज मैं बच्चों से कह रहा था, आज या कल रात को कह रहा था कि देखो भगवान की और जीव की कितनी लड़ाई चल रही है। भगवान आंख की रोशनी कम करते हैं कि दुनिया को देखना बंद करके अंदर देखो तो आदमी कान में बिरंजी कील ठोक कर चश्मा लगा लेता है। हम देखेंगे, मानेंगे नहीं, हम अवश्य देखेंगे, हम पूरी दुनिया देखेंगे। चलिए कान में सुनाई कम पड़ता है तो आदमी कान के अंदर मशीन लगवा लेता है, हम सुनेंगे कितना भी रोकोगे, हम मानेंगे नहीं, सुनेंगे। अरे भाई कथाएं सुनो कीर्तन सुनो, नहीं सुनेंगे? हम तो सब सुनेंगे। आंख टीवी देखेंगे, जगत देखेंगे, सिनेमा देखेंगे, सीरियल्स देखेंगे, देखेंगे। कान मशीन लगा लगा सुनेंगे, क्या सुनेंगे? अब थोड़ा इनकी थोड़ा उनकी सुनेंगे, नहीं तो भूख नहीं खुलेगी, सुनेंगे। चलिए ये तो दो अपनी जगह। धीरे धीरे दांत जब टूटते हैं जीव के ना, तो भगवान कहते हैं कि अब दांत जा रहे हैं, अब जरा कड़क चीज कम खाओ, अंदर नुकसान होगा। नहीं, आप अपना सिद्धांत अलग रखिए, हम दांत पत्थर का लगवा लेंगे और जीव पत्थर का दांत लगवा, एक नहीं तीन तीन बार लगवाता है जीव, चलता रहता है। भगवान एक कहते हैं, जीव भगवान से युद्ध कर रहा है। अरे तुम कह रहे हो हम सुने रहेंगे लेकिन करेंगे अपनी वाली, पंच की बात अपनी ओर पनारा वह बही जहां हम कह रहे हैं। न प्रकृति को ध्यान रखता है जीव, न भगवान का मान रखता है जीव। ये क्या है? मैं मेरा तय तेरा। हम लोग तो शहरों में रहते हैं, गांव के लोग एक एक बालिश के लिए सिर फोड़ के पाग बांध लेते, खूंटे की लड़ाई, बच्चों के झगड़े की लड़ाई, क्यों? मैं मेरा तू तेरा। ये तो भगवान कहते हैं ये मेरी माया प्रकृति है, जीव को उलझाए रहती है, नहीं तो करेगा क्या? यदि जीव उलझा नहीं रहेगा तब तो और आफत कर देगा। मैं मेरा में ही जीव उलझा रहता है। मैं और मोर तोर ते माया जेही बस कीने से जीव निकाया। ये मैं मेरा तू तेरा सारे जगत को अपने बस में, मेरी माया प्रकृति, वो माया मेरी माया, कौन जिसको मैं नहीं भेजा।